बहुत ही क्रुशियल लेवल पे निफ्टी खड़ा हुआ है, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के नियर अबाउट है, तो प्लीज एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू गुजराती ट्रेडर, केम छो बदा मजा मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और ऐसे दो स्टॉक्स जो आने वाले टाइम पे हमको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और इस वीक मार्केट में भी हम लोग को दो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिले हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो चलिए आज बात करेंगे उसकी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि अभी बहुत ही क्रुशियल लेवल पे निफ्टी खड़ा हुआ है और हम लोग बोल सकते हैं डेंजर जोन में है। और हम लोग जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें बहुत ही थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि निफ्टी डाउन ट्रेंड में जा रही है तो अपने स्टॉक्स भी थोड़े बहुत ऐसे लीड किए होंगे या तो नेगेटिव यहाँ पे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं और क्या करेंगे उस स्टॉक्स का, तो चलिए बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो यहाँ पे आप लोग निफ्टी देख रहे हो, तो निफ्टी में मैंने बोला था यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और वापस से कहीं ना कहीं निफ्टी अपने जो प्रीवियस लोस थे वो तोड़ चुका है आज के दिन पे, और कहीं ना कहीं बेरिश क्लोजिंग आई है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अभी करंटली निफ्टी है 19,244 के लेवल के आसपास। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो जो यहां पे निफ्टी का ऑल टाइम हाई वाला जो रेजिस्टेंस था वो अभी करंटली अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो बनेगा 18,899, जो बनेगा राउंड ऑफ लेवल 18,900 रुपीज़ के आसपास जो बन रहा है अपना क्रूशियल सपोर्ट इस वक्त। तो आप लोग को वो लेवल पे ध्यान देना है, तो अपने को थोड़ा बहुत सावधान रहना है। और जो भी स्टॉक यहाँ से अभी लोगे थोड़े दिन तक आप लोग को छोटी क्वांटिटी से काम करना पड़ेगा। तो ये बात हो चुकी है निफ्टी की, तो चलिए बात करते हैं पहला स्टॉक फॉर द वीक कौन सा है। तो फर्स्ट चार्ट फॉर द वीक है कैम प्लस सनमर लिमिटेड। तो इसका हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं और ये स्टॉक क्यों स्ट्रॉन्ग है, तो चलिए स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस स्टॉक में हमको क्यों स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है, तो आज की कैंडल वीकली कैंडल देख सकते हो इस वीक की जो है 14.91% अप, जो तकरीबन 15% अप हुई है इस वीक हम लोग कह सकते हैं। इसने हाई मारा था समवेयर अबाउट जुलाई मंथ ने 504 के आसपास, फिर वापस एक बार अटेम्प्ट किया हम लोग ने देखा जनवरी मंथ में 2023 में, वापस से नीचे गया और जुलाई मंथ में वापस से एक और बार अटेम्प्ट करने आया। तो तकरीबन ये बोल सकते हैं 1 ईयर का कंसोलिडेशन था समवेयर वो 500 रुपीज़ से लेके 360 रुपीज़ तक हम लोग बोल सकते हैं कंसोलिडेशन था। और इस वीक हम लोग को 15% के साथ रैली देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया अपना लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया अपना हेड और ये हो गया अपना राइट शोल्डर, और यहाँ पे नेकलाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो इसलिए हम लोग ने इस स्टॉक को चूज़ किया और यहाँ से हम लोग को ट्रेंड रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं और बॉटम आउट होता देख सकते हैं ये स्टॉक को। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी टारगेट स्टॉप लॉस एग्जिट की, तो क्या बनेगा अपना। तो हम लोग इसको हम लोग बाय करेंगे समवेयर अबाउट डेली टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप लोग बाय कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस में तो आपका स्टॉप लॉस छोटा बन जाएगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 8% के आसपास, जो बन रहा है 478 रुपीज़ के आसपास अपना स्टॉप लॉस बन रहा है। और टारगेट की मैं बात करूँ तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं और फर्स्ट टारगेट अपना बन रहा है जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 665 रुपीज़ के आसपास जो बन रहा है, और जो बनेगा 28% के आसपास अपना टारगेट, 8% का रिस्क और 28% का टारगेट। और ये स्टॉक को हम लोग होल्ड करेंगे 1 से 2 मंथ तक यहाँ पे होल्ड हो सकता है ये स्टॉक, और अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी नीचे जा रही है बट ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये वाला स्टॉक, और ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप लोग की रडार में ये होना चाहिए। अगर किसी को डर लगता है तो आप लोग सिर्फ ट्रैक कर सकते हो इसको और देख सकते हो वीक मार्केट में हम लोग बाय करेंगे कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट वाले तो क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, वो भी नीचे जाते हैं या वो भी ऊपर जाते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग फ्यूचर में बाय करके रखेंगे। फ्यूचर में बाय नहीं करना, फ्यूचर्स में हम लोग बाय करेंगे। तो ये था फर्स्ट स्टॉक। तो सेकंड स्टॉक है अपना श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। तो इसका हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो समवेयर अबाउट जुलाई मंथ 2022 में इसका लिस्टिंग हुआ था और तभी इसने हाई मारा था 461 रुपीज़ के आसपास, फिर हम लोग देखे तो डाउन ट्रेंड में चला गया था ये स्टॉक और बॉटम में इसने बॉटम लगाया 260 रुपीज़ के आसपास, और वापस से यहाँ अगस्त मंथ में इसने ब्रेकआउट दिया था हम लोग बोल सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था 16% के आसपास, फिर रिटेस्ट भी हो गया ये स्टॉक और वापस से अपने हाई को भी क्रॉस कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, कोई भी स्टॉक अपना रिटेस्ट के बाद अपने हाई को प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ से हम लोग मैसिव रिटर्न देख सकते हैं परसेंटेज वाइज। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक्स। तो ये था अपना श्याम मेटालिक सेकंड चार्ट फॉर द वीक। अभी इसके एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं।
तो अभी हम लोग एंट्री बोले तो एंट्री आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे ले सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 429 रुपीज के आसपास, जो बन रहा है अपना 9-10% के आसपास। और इसका रेंज कैलकुलेशन मदद से हम लोग टारगेट निकाल लेते हैं, तो अपना रेंज कैलकुलेशन की मदद से टारगेट बन रहा है समवेयर अबाउट 45% के आसपास, जो बनेगा अपना ब्रेकआउट के बाद हम लोग लगा देते हैं। टारगेट की बात करें स्टॉक में तो बन रहा है 665 रुपीज के आसपास, 9-10% का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है और 39.65% का यहाँ पे गेन मिल सकता है आपको करंट मार्केट प्राइस से। तो ये थे हमारे दो स्टॉक, कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताओ, और ज़रूर से आप लोग प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करो, उसमें भी आप लोग को नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो भी देखो कि क्या हम लोग ने किस बेसिस पे हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिए थे। और हर बार हम लोग सेम बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, 2007 वाले ब्रेकआउट देख लो आप लोग या तो कोई भी ब्रेकआउट देख लो, तो कंसेप्ट आपको ज़रूरी है समझना, वीडियो में स्टॉक कौन सा है वो नहीं मत देखो, आप लोग सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो और कैसे हम लोग बाय कर रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, क्या टारगेट लगा रहे हैं, तो सब आपको वीडियो में मिल जाएंगे और लिंक में भी मैं दे दूंगा। और अगर आपको यहाँ पे हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे लिंक दी हुई है जीरोधा की, तो आप लोग जाके यहाँ पे डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। तो ये था आपका आज का वीडियो, और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के नियर अबाउट है, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, इससे मोटिवेशन मेरे को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, जय हिंद।